नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत योजना पे। आज हम बात करने वाले हैं एमपी नारी सम्मान योजना के बारे में। एमपी नारी सम्मान योजना जो है एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा यहाँ पे निकाला गया। 9 मई से इस योजना को चालू कर दिया गया है। यहाँ पे महिलाओं लोगों को 1500 रुपया मिलेगा प्रतिमा और 500 रुपया गैस के लिए मिलेगा। मध्य प्रदेश नारी सम्मान योजना 2023, तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ जी थे उनके द्वारा ही महिलाओं के लिए नारी सम्मान योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। 9 तारीख से घोषणा कर दिया गया है। एमपी नारी सम्मान योजना का शुभारंभ जो है 9 को होगा, छिंदवाड़ा जिले के परिथाय में किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से राज्य के महिलाओं को हर महीने 1500 रुपया मिलेगा, आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें सिलेंडर के लिए 500 रुपया अलग से दिया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर लाभार्थी महिलाओं को 2000 रुपया सहायता प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता जो है राशि सीधा उनके बैंक खाते में जाएगा। तो जितने भी लाभार्थी हैं उनका खाता होना जरूरी है और वो आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। तो यहाँ पे देख लीजिए किन किन लोग यहाँ पे पात्रता होंगे अप्लाई करने के लिए। तो पहला जो है नारी सम्मान योजना काला प्राप्त करने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। दूसरा है इस योजना के लिए केवल राज्य की महिलाएं ही पात्र होंगी, सिर्फ महिलाएं ही इस योजना का लाभ ले सकती है। आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 60 वर्ष होना चाहिए। 18 से 60 साल की जो महिलाएँ हैं वही इस योजना का लाभ ले पाएंगे। सभी वर्ग जाति महिला की इस योजना के लिए पात्र होंगी। आवेदक महिला का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, तभी आपके बैंक खाते में पैसा आएगा। अब एमपी नारी सम्मान योजना 2023 के तहत आवेदन कैसे कर सकते हैं आप? तो अगर आप इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि कमलनाथ जी द्वारा 9 मई को छिंदवाड़ा जिले में परासिया में नारी सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर महिलाओं को आवेदन कर्ता का नाम, आधार नंबर, समग्र आईडी, आयु, जन्म तिथि, वर्ग, विधानसभा क्षेत्र, ग्राम पंचायत, वार्ड, पंजीयन करने वाले नाम और मोबाइल नंबर लिया जाएगा। घर घर जाके उनको फॉर्म भराया जाएगा, जिसके बाद नारी सम्मान योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन फॉर्म भरने के बाद आवेदनकर्ता को इसकी पावती भी दी जाएगी, ताकि सभी महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकेगा। इस योजना का लाभ सभी महिलाओं को प्रदान किया जाएगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फॉर्म वॉर्म भरने के लिए घर घर आके आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा। जितने भी महिलाएं हैं 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की, वही लोग इस योजना का लाभ उठा पाएंगे और वो मध्य प्रदेश की ही महिला होनी चाहिए।